व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हां पार्टी कब्जे वाले पंजाब दी। सो जिस तरह के पंजाब विच भावें कांग्रेस दी सरकार होवे जां अकालियां दी जां फिर श्रोमणी कमेटी होवे जां सरकारी अफसरशाही होवे, इह सारे रल के जिथे सिख कौम नूं जलील कर रहे हन उत्थे अड अड तरीकियां नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी विच वी शरीक हन। सो इस उपर आपां विचार चर्चा करन जा रहे हां। सो असीं चाहवांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही जुड़े रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सभ दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचारां ने इस बारे? देखो जदों कायदे आजम पाकिस्तान की डिमांड नूं आर्टिकुलेट कर रहे थे, सो जाहिर है कि भारत दे विच एक तबका जिन्हां दे विच ईवन वो लोग भी मौलाना अबुल कलम आजाद जिहड़ा खुद एक इस्लामिक स्कॉलर सी जां खान अब्दुल गफार खान जिहड़ा पठाना दा सरहदी गांधी सी और होर बहुत सारे जिहड़े ने उहदा विरोध कर रहे थे। एक तबका ऐसा भी सी जिहड़ा कायदे आजम नूं इसलिए चैलेंज करता सी कि जी ये तो प्रैक्टिसिंग मुसलमान भी नहीं ने, उन्होंने काफरे आजम कहण तक कहिंदे सी कि भाई नहीं असी इत्थे ही बड़े खुश हैं और ये वो दिस दैट। और एक गल जिहड़ी उन्हां दे नाल जिहड़ी है जोड़ी जाती है, वह कहिंदे सी कि भाई ठीक है मेरे च मैं शायद उवें दा नहीं है जिवें दे तुसीं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, पर जे तुहाडा अपना मुल्क ना बनया तो तुहानू किसे ने नमाज नहीं पढ़न देनी, तुहाडा मजहब जिहड़ा वह सेफ नहीं होना। और मैं समझदा भी ये गल बिल्कुल जदों अज असीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है, उन्हां दे अपने ब्लैसफेमी लॉ ने, कोई डेयर नहीं कर सकता कि कुरान शरीफ कुरान मजीद जां इस्लाम जां हज़रत साहब दी कोई तौहीन दे विच कोई लफ्ज़ कहे। ज़ाहिर है ज़रूरी भी है तुसीं जिहदे ते तुहाडी अमन्ना है और तुहाडा ईमान है, और इहदा मतलब है भी किसे दा भी किसे भी धर्म दा जिहड़ा मन्नण वाले जां पैगंबर ने उहनां दी तुसीं तौहीन करो जां उस बारे कोई गैर मुनासिब शब्द कहो, इहदी कोई भी मजहब इजाजत नहीं दिंदा। पर जदों राज उहनां दे कोल हुंदा है जिहड़े चाहुंदे ने कि भई वह अकलीतां दे मजहबां दी बेहुरमती करन, उन्हां नूं जलील करन, तां कि जिहड़ा उन्हां दा मौकफ है कि भई वह तुहाडे गोडे लवा के तुहानूं अपने मर्ज करना चाहुंदे ने, वह गल होए तां उहदा सब तों वड्डा सबूत डेमोक्रेसी दे नां थले जिहनूं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ये कहिंदे ने, जो कुछ भारत दे विच अकलीतां नाल हो रहा है, मुसलमानां दे नाल हो रहा है, सिखां नाल हो रहा है, ईसाइयां नाल हो रहा है, दलितां नाल हो रहा है, जिहड़े भी समाज दे ने अज 3.5% तों भी घट आबादी वाले ब्राह्मणवादियां ने सिस्टम ते कंट्रोल कीता। पर जिस इशू ते मैं फोकस करना चाहुंदा है सिख कौम दे हवाले नाल, असीं पहले सैगमेंट्स भी गल कीती कि लगातारता नाल इह तां ब्लैक लिस्टां दा ड्रामा करदे सी, हुण तां जिहड़े ने कुछ दिनां दे विच उहनां ने 97 के करीब केस UAPA के थले जिन्हों की जमानत नहीं होनी कई कई साल, और 250 के करीब बंदा जिहड़ा 240 तो ज़्यादा वो बुक किए हुए हैं, और जो चल रहा है। बेशक गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की घटना बुरज जवाहर सिंह वाला चो गुरु ग्रंथ साहब का सरूप 2015 के वो चोरी होना, फिर असी देखते हैं कि भाई उस तो बाद बरगाड़ी बहबल कलां इन घटनावान का फिर सिट बह गई सिट खड़ी हो गई, इन्वेस्टिगेशन सौदा साध ने किया, बादलों ने कराया, सुमेध सैनी ने कराया, अमरिंदर दियाँ सोहां गुटके ते रख के दूजे तीजे। पर तुसी इस सारे पीरियड दे विच देखो 5 साल गुजर गए ने, इन्हां 5 सालों च भी किन्नियां एडिशनल उन्हां नूं तां दोषियों नूं सज़ा इन्हां ने की देनी, किन्नियां होर बेअदबी दियां घटनावां हुई हैं लगातारता नाल हो रही हैं, और कौम नूं किवें आ इक सूर दा बच्चा सुधीर सूर जिन्हें अपना नाम रख्या होया शिवसेना दे थले, इन्हें पिछले दिनों च की नहीं किया, फिर होया जी केस हो गया इंदौर तो पुलिस फड़ लिया आई, हुण वह जिहड़ा वह पुलिस ने बहुत एफिशेंसी दिखाई। तुहाडे गुरु साहिबान दे खिलाफ साडे धर्म दे उत्ते साडी कौम नौजवानी दा वैसे हरास किया जा रहा है, ये जिहड़े सूर ने सारे छड्डे होए ने फेसबुक दे उत्ते दूसरे दे उत्ते बेहुरमती करन दे लई, और गल सरकार अमरिंदर ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही की करदी आ उसी देख ही रहे हैं।
हूँ जदों मैनू अज ही जो मैं खबर भी देख रहा है तो मैं भाई गुरदास जी की वो वार याद आ रही थी कि भी जे माँ पुत्ते जहर दे क्या पुत विचार कि जे माँ ही पुत्र एक वड्डी वार है उन्हां दी कि जे वाड़ खेत नूं खाण लग जाए पहरेदार जिहड़ा उही जिहड़ा पहरुआ जिहनूं कहिंदे सी पहरेदार उही घर भन्ने उही घर लुट ले ते माँ ही पुत नूं जहर दे ते की होएगा बई इसे तरह उन्हां दा इह सी कि भाई तुसीं धार्मिक थावां तुहाडियां ने जिथों तुसीं रूहानीयत दा सबक लैंदे हो जे उत्थे ठग बैठे होण उत्थे ही धर्म की गल नहीं है तो कितों जाके तुसीं धर्म लभोगे। हुण सरकार की करदी है सौदा साध जिस दे हुण चेले तीन चार फड़े ने एक ने ना दिता है गुरमीत राम रहीम आ गया हुण उन्हां दी एक एक्सप्लेनेशन आ गई है कि जी असीं क्योंकि 2017 दीआं असैंबली चोणां च अकालियां नूं वोटां पाईआं सी इसलिए साडी हरासमेंट की जाए। सो ये सारिया सियासी गेमां ड्रामेबाजियां चल रही ने पर जिहड़ी खबर अज एक श्रोमणी कमेटी के हवाले नाल असीं पहलां भी डिस्कस किया सी कि किवें 267 सरूप गुरु ग्रंथ साहिब दे जिथे प्रिंट हुंदा है गुरु ग्रंथ साहिब क्योंकि लॉ बना के पंजाब असैम्बली सारे एक्सकलूसिव राइट जिहड़े ने श्रोमणी कमेटी नूं दित्ते होए ने और उत्थों 267 सरूप गायब हुंदे ने। देखो ये भी गल सामने नहीं सी आ सकती क्योंकि एक मुलाजम जिहड़ा उस सारी नाल अटैच होएगा उहदे कुछ तनखाह तनखूह रोक लई जां उहदा कोई होर फंड रोक ले उन्हें भेत खोले जदों भेत खुलिया रौला पिया। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जिहड़े एक्टिंग जथेदार ने कई बार शायद हो सकता उन्हां दा जी करदा होए भी मैं सच्ची गल भी करा पर जो तुसी रखते ही एक्टिंग हो फिर कई बार एक्टिंग भी करनी पैंदी है। हुण जदों रौला पै गया तो उन्होंने भी श्रोमणी कमेटी नूं कहा जी इहदी पड़ताल कराओ ये सरूप कित्थे गए और हुण ये जिहड़ी खबर है प्रोब मिसिंग सरूप्स एस जी पी सी अर्जीज अकाल तखत शिफ्ट पब्लीकेशन स्टाफ फॉर अनबायस्ड इनकुआरी। हुण तुसी ये देखो कि भी ये है जिहनूं तुसी जे मैं कहना होए कि ख्वाजे का गवाह डड्डू कि बई श्रोमणी कमेटी जथेदार अकाल तखत जिन्हों एक्टिंग है भावें दो कमरिया तुसी रख्या हुआ है 2 किलो तो ज़्यादा दुध उन्होंने नहीं मिलता रोज़ का है जी उन्होंने एन टाइट करके कोई सैक्रटरीएट का ना जरूर रख्या हुआ कोई स्टाफ नहीं कोई एडवाइजरी कौंसल नहीं कोई जोड़ा उन्होंने मिलन गिलन वाले लिए भी उस कमरे से ही आके बह जाते हैं तो एक जरा लांगरी रख्या हुआ चाह के कप बना के रहा जो उन्होंने करीबी ने उन्होंने मैंने एक दो ने दसिया कि बई बहुत तौहीन कर रहे हैं पर वो दिन कठी कर रहे हैं और श्रोमणी कमेटी जिदे 15,000 के करीब स्टाफ होना है 1,000 करोड़ तो ज़्यादा बजट है जिन्हों के को जड़ा गुनाहगार ने जाता यह है भी हूँ जे ये भी नहीं असं कह सकते जी जाके रिपोर्ट कराओ पुलिस की और इनवैसटीगेशन करो वो तो ऑलरेडी तुम देख लिया सौदा साध दियाँ दूजिया इनवैसटीगेशन चो की निकल रहे लेकिन ये किस शर्म की गल है कि श्रोमणी कमेटी की मीटिंग होंगी एग्जैक्टिव बॉडी की गुरु रामदास हॉस्पिटल वाला और लौंगोवाल जिहड़ा प्रधान है उन्होंने चेयर कर दे और उन्होंने कहा जी असी जितों सरूप गायब हुए ने पब्लीकेशन वाला सारा स्टाफ जिहड़ा वो बदल दिता है और इसलिए असी जिहड़ा हुण सब कमेटी जिहड़ी बनाई सी प्रोब करन दे लई असी उन्होंने डिजॉल्व कर दिती है। वी हैव रिक्वेस्टिड अकाल तखत टू गैट एन अनबायस्ड इनवैसटीगेशन डन बाई ए सिख जज और एन इंटेलैक्चुअल और इंटेलैक्चुअल जाके लभेगा तुहाडे चोरां दे सारे खुरे कि भाई प्रेस च कौन है तुहाडा मैनेजर है तुहाडे थले है 267 सरूप गुरु ग्रंथ साहिब दे 267 उत्थों गायब हुंदे ने कित्थे जांदे ने बिल्कुल क्यों गायब किते जांदे ने की आने वाले पीरियड च असीं आने वाले सालां च 267 बेदबी दीआं घटनावां देखांगे जिन्हां दे उत्ते की लिख के की नहीं जिवें चल रही ने घटनावां चल रही क्योंकि होर कितों ये पत्रे मिल नहीं सकते जिहड़े अंग ने क्योंकि एक्सकलूसिव राइट छापण दे ओह ने गुटकियां दी बेहरमती तां करदे ने ओह तां उत्थे बैठे ने सारे ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਪਵਾ ਕੇ 10-10 ਗੁਣਾ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਠੱਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਗੁਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ
दुकान है उत्थों तो उही प्राइस मिलेगा उत्थों स्मगल करके उत्थे पहुंचा देंदे ने उन्हां जो पैसे खा जांदे ने हुण उस सारे दे थले बजाए के ये सारे जड़े ने एक वड्डे सैक हुंदे मूँह काले करके इन्हां दे जुतियां मारदे इन्हां नूं लैके आउंदे गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च कि दसो किहदे कहण ते कीता इह कल्ला इह नहीं है स्टाफ इह डेयर नहीं कर सकदा छोटे लैवल दा कि 267 सरूप तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब दे गायब कर दिओ और दूसरा कर दिओ और उन्होंने क्योंकि हुण एक दबाव बन रहा है उन्होंने उत्ते हरप्रीत सिंह होर दे उत्ते कि भाई तुसीं इंडिपेंडेंट इनवैसटीगेशन कराओ और उन्होंने ये कहा जी मैं एक सिख जज तो या SGPC दा फॉरमेट कोई पब्लिक जिहड़ा होर सिटिंग जज सिटिंग नहीं तो एक होर ने कहा जिहड़ा हुण कांग्रसी MP है अमृतसर दा गुरजीत सिंह औजला वह भी बिच कुद पिया उन्हें कहा जी इनवॉल्व द गवर्नमेंट मशीनरी इन टू द प्रोब ही आलसो प्रपोज दैट केस कुड बी अटैच्ड विद सिट विच इज़ प्रोबिंग 2015 सैक्रिलेज इंसीडेंट कह जी जी सिट जी स्पैशल इनवैसटीगेटिव टीम 2015 प्रोब कर रही है सैक्रिलेजिज उन्होंने हवाले कर दो और उन्होंने कहा जी कानू रिटायर्ड जज या दूजा ये कुछ नहीं है ये सिर्फ आई वॉश है मैं 10 उदाहरण दे सकता हाँ जदों श्रोमणी कमेटी ने कमेटियां बनाई हैं उन्होंने दा कदे भी कोई ना उन्होंने दा नतीजा सामने आया किवें अनुराग सिंह जिन्हों लाया होया सी सिख रिसर्च बोर्ड दा उन्हें सिख नूं डिफाइन करन दे लई किवें गलत तरीके दा एफीडेविट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दित्ता मक्कड़ सी कमेटी बनाती कित्थे आ उस कमेटी दी रिपोर्ट तुसीं बाहरले थावां ते बेअदबी दीआं घटनावां हुंदीआं ने ज्ञान गोदड़ी दे विच की होया गुरद्वारा डोंग मार्च कित्थे आ इन्हां दी रिपोर्ट अज तो 15 साल पहला कि बीबियां नूं सेवा दा हक होना चाहिए उहदे लई डॉक्टर दर्शन सिंह जिहड़े PhD सन और हैड ऑफ द गुरु नानक स्टडीज सन चंडीगढ़ च हुण तां बेचारे चढ़ाई कर गए कुछ महीने पहला उन्हां दी जिहड़ी चेयरमैनशिप दे विच कमेटी बनाई सी कि उन्हां ने रिपोर्ट भी दित्ती हालांकि रिपोर्ट कदे भी पबलिश नहीं हुई हालांकि उन्होंने बीबिया के कीर्तन के हक जो उन्होंने एक बार उस तो बाद इतने आए उन्होंने कहा जी असी अपना फर्ज पूरा कर दिता है पर यह रिपोर्ट कदे भी रिलीज नहीं होएगी क्योंकि जेडे इन्होंने मास्टर बैठे हुए ने उन्होंने सूट नहीं करता क्योंकि इन्होंने सिखिज़म को तो लिजा के वह RSS की खुंदक दे विच बाड़ने है जी उस गटर दे विच ये सारी इंटरप्रिटेशन इन्हों सिखा का आजाद धर्म साढ़े दुनिया के इस किस्म दिनिया घटनावान गिना सकते हो जी कमेटी भी कहदी बनती है रजिंदर सिंह मेहता बन गया जी अमरजीत चावला बन गया जी वो चवल है वैसे ही उन्होंने बनाती जी कमेटी बनाती हूँ क्योंकि रौला है उन्होंने पता है कि भाई पब्लीकेशन अगे तो असी जी दूसरे के लिए कोई रिपोर्ट क्ढण गए हूँ तो इन्हों का पब्लीकेशन डिपार्टमेंट है श्रोमणी कमेटी के डायरैक्ट कंट्रोल च है इस ये मुद्दा किसी होर धर्म के मामले च होया हुंदा कितने कुरान शरीफ के मामले च हुंदा हुण तक इन्हां दे सिर वड्डे होने से उन्होंने कि भाई ये तुसीं इस किस्म का कारा करदे हो तुसीं जिहदे उत्ते तुहाडा यही जे साडा गुरु ग्रंथ साहिब ही नहीं है तो असीं कुछ भी नहीं है कौम तो वैसे ही जलील हो रही है और ये गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी श्रोमणी कमेटी कर रही है इस तो वध के हुण हालात तां ओह बने हुए ने कि तुसी किदे अगे की कहो की कहो और इस तो बिना मैं कल भी अपनी प्रेजेंटेशन च कहा सी कि ठीक है बहुत कुछ चल रहा है हमले इन्ने पासों ने पर एक गल याद रखिए कि अल्टीमेटली हल जेड़ा है वो आज़ादी है जे असी दरियाए जमुना तो वाघा तक अपना फादरलैंड अपनी मदरलैंड अपनी गुरुआं दी धरती अपने पुरखियां दी धरती इनू जे असी आज़ाद ना करवा सके ते ना गुरु ग्रंथ साहिब दी असी उना दे मैसेजेस ने ता अगे की जाने पंथ दा तो जो हाल उत्थे कीता ही होया उन्होंने हालां 18वीं सदी च जदों वड्डा घल्लूघारा वापरदा है और इक अरदास दा जिक्र साडी हिस्ट्री च हुंदा है कि भाई एक दिन दे विच अहमद शाह अब्दाली दीआं फौजां नाल लड़दे 25 तों 30 हज़ार सिख जिन्हां च बहुते बजुर्ग बच्चियां बच्चे मास जेनोसाइड होया वे तो जिहड़े बच गए सी उन्हां चों भी कोई ऐसा नहीं सी जिहदे शरीर ते जख्म ना होए और जदों घेरे चों निकल गए कुपर हीड़े दे जिहड़ा उन्हां पिंडां दे नेड़े ये घल्लूघारा वापरदा तो उस शाम जिहड़ा रह रास्ते दीवान तो बाद एक बिरध निहंग सिंह खलोता सारिआं दे कपड़े जिहड़े चोले सन वो खून दे नाल लिबड़े हुए सी खून जख्मां चों वग रहे सी और उस घेरे चों निकल के आए सी
और उन्हें गुरु चरणा च अरदास कीती सी कि पंथ की राखोगे तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, पंथ ना रहा तो तेरा ग्रंथ कौन मानेगा। बिल्कुल, हे अकाल पुरख, हे सतगुरु, बॉडी करो, जे पंथ दी रख्या होएगी तां गुरु ग्रंथ साहब दा सरबत दे भले दा सुनेहा, मानव कल्याणकारी सुनेहा दुनिया च जा सकेगा। जे पंथ ही ना रहा ते गुरु ग्रंथ साहिब दीआं गल्लां नूं दुनिया तक कौन पहुंचाएगा। पर अज जिस हकूमत दे नाल साडा वाह है, उन्होंने तो पंथ और ग्रंथ दोनों नूं ही गनशॉट्स दे थले लिया होया। किवें गुरु ग्रंथ साहिब दी गुरता नूं चैलेंज करन लई है राधा स्वामी, नरकतारी, आशुतोषीए, ये सारे सौदा साध, पनिहारे, ये सारे जड़े ने कौन ने, किने खड़े किते हुए ने। और अज जे श्रोमणी कमेटी ओ गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप गायब कर दिंदी है, किन्हां हत्थां चो स्वरूप गए ने, मैं समझदा कि भई ये साडी जिहड़ी जलालत और साडे गुरु दे अपमान दी, इस तो वध के होर की हो सकता है। जे अजे भी सानू ये सिखां नू कन्विंस करवाण दी लोड़ है कि खालिस्तान क्यों चाहिए, इन्हां सारे ट्रेटर्स नाल की सलूक होना चाहिए, फिर मेरा ख्याल है कि भाई असी गुरु दे भी देणदार हैं और इत्थे भी साडा मूँह काला होएगा और अगे भी मूँह काला होएगा। असी लोक परलोक दोनों च उस सिख नूं जिहदा ईमान गुरु ग्रंथ साहब ते है, जो अपने गुरु की बेअदबी बर्दाश्त करदा है, तो फिर उन्होंने ना लोक च ढोई है ना परलोक च ढोई। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। तुसी बड़े ही भावुक रूप में होकर अपने जो विचार ने साडे दर्शकों नाल सांझे कीते ने। सो इत्थे लैणे आ ब्रेक। व्यूअर्स, तुसी किते नहीं जाना, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।